हमारे सारे निवेशक जो छोटे हैं उनसे मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि जितने भी छोटे निवेशक हैं इस प्रकार से प्रशिक्षित हो जाएं कि आपको जीवन में किसी भी प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। मेरा ऐसा मोटिवेशन है। आज जिन लोगों ने, लोग बोलते हैं कि शेयर, आप सभी शेयरों के बारे में कुछ ना कुछ बताइए, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम शेयर वही बताते हैं जिसमें पोटेंशियल ज्यादा है। बाकी तो आपको YouTube पर ढेरों सारे शेयरों की जानकारी आपको मिल जाएगी। कोई शेयर अच्छा और बुरा नहीं होता है। शेयर्स में दो ही चीज अच्छी होती है, बुल रन और बियर रन। बुल रन की मार्केट में शेयरों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, और बियर रन जिसमें कुछ भी खरीदो उसकी कीमत घटती रहती है। ये दो ही सेंटेंस है। हिंदुस्तान के BSE और NSE में 7,000 कंपनियां लिस्टेड है। कोई ना कोई उस शेयर को खरीदता है और किसी ना किसी के पोर्टफोलियो में वो शेयर होते अवश्य है। शेयर बाजार में आने का जो नैरेटिव है वो नैरेटिव ये है कि अपना पैसा डबल कैसे करें। लोग यहाँ दिनों में, महीनों में, सालों में पैसा डबल करने के लिए आते हैं। उसी माइंडसेट से मैं शेयर के पोटेंशियल को चुन करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जितना लोग मुझे जानते हैं उससे कई गुना ज्यादा शेयर बाजार में मैं आपको प्रशिक्षित कर सकता हूं। आप हमारा वीडियो के लिए 3 घंटा समय दे, एकदम सुदूर देहात जहां पे कोई सुविधा नहीं है, वहां भी मेरे 100 वीडियो देखने के बाद अगर वो शेयर बाजार के बारे में इतना जानकार नहीं हो कि किसी जानकार व्यक्ति को लगे कि ये बहुत कुछ जानता है, ऐसा बोलने की हिम्मत उसमें पैदा नहीं हो, तो हमारे वीडियो को देखने से कोई लाभ नहीं है। मैं ये सोचूंगा कि मैंने कुछ भी प्रशिक्षित नहीं किया। आज भारत की विकास की गाथा चारों ओर हो रही है। हमारी भारत की इकोनॉमिक 10 ट्रिलियन की तरफ बढ़ने वाली है। अगर सब कुछ ऐसा होता है तो लोग पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में होना चाहिए, कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा और जिसमें गिरावट की कोई संभावनाएं नहीं हो। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं और वो भी एक फिलॉसफी के साथ। लिकर स्टॉक, जब हमारे देश की 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक हो जाएगी तो लिकर स्टॉक अछूता नहीं रहेगा। 11 रुपये में बिकने वाला लिकर स्टॉक 1700 के दाम पे खड़ा है। नाम तो मैं नहीं लेना चाहता लेकिन मैं बोल देता हूं, रेडिको खेतान। रेडिको खेतान कोई भी लिकर कंपनी ले लीजिए, उस लिकर कंपनियों का शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जैसे आप घर का पेंट कराते हैं तो क्या सोच करके पेंट कराते हैं कि हम ऐसा पेंट करवावें जिससे घर 4-5 साल तक चकाचक दिखे, बढ़िया दिखे। उसी तरह से आपके पोर्टफोलियो को चकाचक और बढ़िया देखना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो की सुंदरता बढ़ाने के लिए चकाचक स्टॉक है लिकर स्टॉक, अपने पोर्टफोलियो में उसको जरूर कुछ ना कुछ जगह दें। और ये पोर्टफोलियो 4-5 साल तो चकाचक दिखना ही चाहिए और उसके बाद में फिर पेंट करवावें, फिर एक और लिकर स्टॉक ले और फिर 4-5 साल के लिए कैरी ऑन करें। पीढ़ियां याद रखेगी हमारी बात अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमिक इस प्रकार से चलती रही। और रही बात शेयर बाजार की, विश्वास की, हम छोटे निवेशक इस बाजार को सट्टा समझते हैं, इस पर कोई विश्वास नहीं करते। मेरे को एक बताइए, किसी व्यक्ति को आप बोल दीजिए कि तुम दरोगा बनेगा, तेरे को दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये विश्वास उसमें आप भर दे तो वो दरोगा बनने के जितने कार्यक्रम है वो खुद ही करने लगेगा। वो रनिंग, वो दौड़ना, वो फिटनेस, वो सिखाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही करने लगेगा। क्योंकि विश्वास कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है। शेयर बाजार में अगर आपको ये विश्वास हो जाए या मैं ये विश्वास आपको डाल पाया
कि ये बाजार आपका पैसा लेके नहीं जाएगा, तो आप खुद ही निवेश करना सीख जाएंगे। इसके लिए विश्वास पैदा करना सीखिए। मैं ये चाहूंगा कि हमारे मुट्ठी भर जो व्यूअर हैं, हजार, 10,000, 1,00,000 की संख्या, मैं चाहूंगा कि आप प्रशिक्षित हो और लाखों की संख्या में प्रशिक्षित करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में किसी बहनों को, किसी लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चों को, किसी को सीखने के बहाने आपको किसी को पैसे नहीं देने। मैं रिचार्ज फ्री, रिचार्ज वाली थ्योरी नहीं चाहता हूं कि आप हमेशा रिचार्ज करें तो मोबाइल चलेगा। मैं वो थ्योरी चाहता हूं कि आपने इनकमिंग फ्री वाली थ्योरी चाहता हूं, एक बार सीख लिया परमानेंट काम आ गया। इसके लिए इन सब कहानियों के साथ में मैं आपको एक दो स्टॉक भी बताऊंगा। आप बेधड़क होकर के SDIL हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इन शेयरों में निवेश कीजिए। बहुत 400-500 करोड़ में रियल्टी स्टॉक महाराष्ट्र की कंपनी खड़ी है, अपॉर्चुनिटी समझ करके निवेश कीजिए। इतना जोर से छलांग लगाइए, समझिए पैसा डस्टबिन में डाल। दूसरा स्टॉक इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, पहले भी बोला था, एकदम बकसिए मत, कूद पड़िए, ये समझिए कि लॉटरी की टिकट है, जिसने कटा ली इनाम की गारंटी। और एवरेज आउट की थ्योरी बहुत लाख पूछते हैं। एवरेज आउट की थ्योरी क्या है? एवरेज आउट है कि हर गिरते बाजार में आपको एवरेज नहीं करना है। आपका कोई शेयर 150 रुपया में खरीदा, 20% गिरने के बाद, यानी 120 रुपया में आप एक बार और खरीदिए और उससे बाद खरीदना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई भी शेयर्स आपको 1, 2 और 3, 3 से ज्यादा किसी भी शेयर में जिंदगी में कभी भी एवरेज नहीं कीजिए, चाहे कितना भी मुनाफा आपको बनता हो। आपको अपने खरीद से सिर्फ 3 बार एवरेज करना है, उसके बाद एवरेज से बाहर हो जाना है, और उसके बाद 2-4-6 महीने के बाद शेयरों की चाल देखनी है, उसके बाद में नए फैसले लेने। ये हमारे एवरेज आउट का फार्मूला है। सीधा देसी फार्मूला में मैं बात करता हूं। मैं आपको प्रशिक्षित कर देना चाहता हूं। आपको किसी भी व्यक्ति से ज्ञान लेना नहीं पड़े। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको अगर कोई कहे कि शेयर बाजार की अच्छी जानकारी आपको किधर से मिली, ये सुनने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट करें। नमस्कार।